ये है बनावटी रोडीज। सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दैट्स माय क्राउ। मारामारी कर रहा है तू जीडी रूम में आके दो शहरों में। और ये है असली रोडीज। दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों ही अपनी स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं। अब इनकी सच्चाई पे से पर्दा तो उठेगा ही, पर इसके साथ आज सबसे बड़े सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे। क्या करोड़ों की सौदेबाजी मिनटों में करने वाला शार्क टैंक असली है या नकली? और अगर असली है तो क्यों शार्क टैंक के जजेस ने कंपनीज को अभी पैसे नहीं दिए? हेलो भाई लोग, मैं हूँ आपका पोल कोल फैक्ट भाई। और केबीसी में चीख चीख के सबको करोड़पति बनाने वाले अमिताभ की सिर्फ एक गलती की वजह से शो के कंटेस्टेंट को 1 करोड़ रुपयों से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन क्या सच में ये एक गलती थी या फिर शो के मेकर्स ने पैसे बचाने के लिए ऐसा किया था? आइए जानते हैं। नंबर 1, असली बिग बॉस। तू उतारने के लिए बटन खोलना पड़ेगा, सब भी खोलनी पड़ेगी। ये है बिग बॉस का वो रूप जो शायद ही किसी ने देखा होगा। यानी पारिवारिक शो के नाम पे चलता ये बिग बॉस, सोचो बिहाइंड द कैमराज यहाँ क्या क्या होता होगा। क्योंकि कहा तो ये भी जाता है कि जो कंटेस्टेंट शराब पीना चाहते हैं उन्हें बिग बॉस जूस बॉक्सेस में मदिरा का सेवन कराता है। इतना ही नहीं, कंटेस्टेंट के लिए हर वीकेंड सल्लू भाईजान खाना भी मंगवाते हैं। इन्हीं चीजों को लेकर बिग बॉस 7 के अपूर्व अग्नोत्री ने बताया कि बिग बॉस पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होता है, जहां ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा माहौल अलग अलग होता है। इनफैक्ट चैनल हमेशा उसे ही जिताएगा जो कि कलर्स टीवी चैनल का फेस होगा। अब आप ही सोचिए, क्या इसीलिए बिग बॉस वालों ने सिद्धार्थ शुक्ला और रुबीना को जिताया था? पर जब ये बात सलमान तक पहुंची तब उन्होंने कह डाला कि बिग बॉस की स्क्रिप्ट दुनिया का कोई राइटर नहीं लिख सकता। लेकिन भाईजान, अगर बात ऐसी है तो उस वक्त का क्या, जब सरेआम टीवी पर लोगों को बेवकूफ बनाया गया था, जहां टास्क के लिए दीदी भागी तो शॉर्ट्स में थी लेकिन रूम में जीन्स पहन कर दिखी। वाह दीदी वाह। अब आप ही बताओ, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग या आंखों का छलावा? नंबर 2, इंडियन नॉट आइडल। इंडियन आइडल को बनाने के लिए नेहा जी के 2 आंसू लीजिए, हिमेश भाई से जरूरत अनुसार रोटियां और अन्नू मलिक को अच्छी शायरी की खिताब दीजिए। लेकिन वेट, सबसे अहम तड़के के लिए आपको स्क्रिप्ट की मिलावट भी करनी पड़ेगी भैया। अगर आपको यकीन नहीं है तो सोनू निगम से सुनिए, जो खुद एक वक्त पे शो के जज रह चुके हैं। इनके मुताबिक जजेस के रोने से लेकर कंटेस्टेंट को पैर पड़ने तक सब एक दिखावा है। जज रो रहे हैं, एक आ रहा है और बोल रहे मैं आपके पैर पर जो कंटेस्टेंट को बोल रहे हैं। जहाँ जजेस का भांडा सोनू निगम ने फोड़ा, वहीं कंटेस्टेंट का भांडा एक यूट्यूब चैनल ने तोड़ दिया। बदली हुई सी अब सारी हवाएं हैं जागी उमंग, मतलब समझे कि जहाँ बॉडी ने सांस ली वो आवाज माइक पे सुनाई नहीं दी। यानी ये परफॉर्मेंस फर्जी थी। लेकिन इंडियन आइडल के स्क्रिप्टेड होने का सच लोगों के सामने तब आया जब सीजन 13 में रितु रीवा को निकाला गया। लोग इस बात से इतने नाराज थे कि बिना टाइम गवाए जनता ने शो को बायकॉट कर डाला। इसीलिए बेचारे कंटेस्टेंट्स कहते होंगे कि रिजेक्शन से डर नहीं लगता साहब, स्क्रिप्ट से लगता है। नंबर 3, रोडीज की सच्चाई। भाई लोग, मानो कि आपने किसी रियलिटी शो को जीत लिया है तो क्या तब भी आप उस शो का भांडा फोड़ोगे? नहीं ना। पर ऐसी डेयरिंग बाजी पलक ज्वाल ने दिखाई थी, जो कि रोडीज 6 की विनर रह चुकी हैं। इनके मुताबिक पूरे का पूरा शो रोडीज सिर्फ एक स्क्रिप्ट पे काम करता है। यहाँ उसी कंटेस्टेंट को पुश मिलता है जो कि शो को टीआरपी ला सके, और इसीलिए मेकर्स ने पलक को एलिमिनेट करके भी उसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री करवा दी थी। लेकिन जब इसके बावजूद व्यूअर्स की गिनती कम होती गई, शो वालों ने पलक को ही दोष देना शुरू कर दिया। पर अगर अब भी आपकी लंका में शंका हो रही है क्योंकि पलक को छोड़ बाकियों ने शो का भांडा संभाले रखा है, तो इसका जवाब है 10 लाख रुपए। जी हाँ, शो हर कंटेस्टेंट के पास कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है जिसके मुताबिक कोई भी कंटेस्टेंट शो के बाहर जाकर रोडीज के राज नहीं खोलेगा। पर वेट, रफ्तार की माने तो ये शो बिल्कुल भी फेक नहीं है। फेक कभी आके देखना, करके देखना, जो टीवी पे देख के बोलते हैं ना टास्क करेंगे बहुत इजी होगा, ऐसे होता है। और जो भी टेस्ट दिए जाते हैं वो सारे रियल होते हैं, और शायद ये खबर सच्ची भी है क्योंकि रोडीज के हर टेस्ट पहले जजेस खुद टेस्ट करके देखते हैं, मतलब कुछ सच तो कुछ झूठ। नंबर 4, बिना खतरों के खिलाड़ी। कभी कीड़ों का मुंह पे रेंगना, कभी सांप का गले पर लिपटना और कभी चीते का आपके पीछे दौड़ना, खतरों के खिलाड़ी में कंटेस्टेंट से ज्यादा यही सारे प्राणी नजर आते हैं। लेकिन इसी के साथ सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या शो में दिखाए जानवर असली होते हैं? ध्यान से देखो, टेस्ट शुरू होने के पहले मगरमच्छ
मगरमच्छ कैसे उछल कूद रहा है और जैसे ही टास्क शुरू होता है वो एक खिलौने की तरह जमीन पे लेट गया। तो क्या दिखाने के और टास्क वाले एनिमल्स अलग? इसका कड़वा जवाब है शायद, क्योंकि जब दिव्यांका त्रिपाठी मगरमच्छ को लेकर एक टास्क कर रही थी तब उन्हें उस स्टंट के दौरान चोट लग गई। इसकी वजह से उन्हें बैंडेड भी लगानी पड़ी। लेकिन वेट, क्योंकि अगर दिव्यांका को स्टंट 3 के दौरान बैंडेड लगानी पड़ी तो स्टंट 1 और 2 के दौरान वो कैसे नजर आई? यानी स्टंट 3 की शूटिंग पहले की गई और बाकी स्टंट्स की शूटिंग बाद में। पर एक बात तो माननी पड़ेगी, चाहे टास्क डिफिकल्ट हो पर हर कंटेस्टेंट उसे पूरी शिद्दत से निभाते हैं। नंबर 5, शार्क या मछली। हेलो शार्क्स, मैं हूँ फैक्ट भाई, जो कि आपसे फंडिंग नहीं आपको एक्सपोज करने आया हूँ। चल भाई, थैंक यू, आई एम आउट। जी हाँ, मिनटों में करोड़ों तक का होता सौदा देख सभी को एक बार तो लगा ही होगा कि क्या ये डील्स रियल हैं। टेंशन नॉट, फैक्ट भाई के पास एक ऐसा डेटा है जिससे आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। प्राइवेट सर्कल रिसर्च, वो प्राइवेट कंपनी है जिसने शार्क टैंक जजेस के सारे राज खोल दिए। उनके मुताबिक शार्क्स ने सीजन 1 के बाद 100 में से सिर्फ 40% डील्स को पैसे दिए। इसमें नमिता थापा ने सबसे ज्यादा कमिटमेंट्स पूरे किए और अनुपम मित्तल ने सबसे कम। तो सवाल ये उठता है कि क्या शार्क सिर्फ ऑडियंस को दिखाने के लिए ऑन एयर डील्स करते हैं? ना मुन्ना ना, इस सवाल का जवाब फैक्ट भाई नहीं खुद अनुपम मित्तल देंगे। उन्होंने कबूल किया कि लोग शार्क टैंक को स्क्रिप्टेड मानते हैं, लेकिन ये सरासर झूठ है। असल में एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए और लीगल चीजें पूरी करने के लिए 3 से 6 महीने लग सकते हैं। इन फैक्ट कई कंपनीज डील्स लेने के बाद मुकर भी जाती हैं। क्या लगता है भाई लोग, अगर फैक्ट भाई शार्क टैंक के मंच पर गया तो डील या नो डील? नंबर 6, एक गलती काफी है। केबीसी की हॉट सीट पर जब सवाल हो 1 करोड़ का और सिर्फ एक गलती की वजह से आप हार जाओ तो बुरा तो लगेगा, राइट? पर अब सोचो कि वो गलती असल में आपकी थी ही नहीं, गलती तो केबीसी के ऑप्शंस में थी। तो ऐसा गंडोगोल चरणा गुप्ता जी के साथ हुआ, जो कि केबीसी सीजन 11 की पहली कंटेस्टेंट थी जिसने 1 करोड़ का सवाल की सीढ़ियां चढ़ ली थी। क्वेश्चन था कि 1944 में कंगला टोंगबी की लड़ाई किस प्रेजेंट इंडियन राजधानी शहर में हुई। इसके ऑप्शन में 3 तो सही नाम थे लेकिन एक गलत था। जहां मेकर्स ने ऑप्शन सी में गुवाहाटी लिखा, वो सही ऑप्शन था दिसपुर, जो कि असम की राजधानी थी। पर ऐसे गुमराह कर देने वाले ऑप्शंस को देख चरणा जी ने गलत उत्तर दिया और वो हार गईं। हालांकि सही जवाब ऑप्शन बी था, लेकिन शायद वो कंफ्यूज हो गई होंगी। अब क्या इसका मतलब है कि केबीसी जानबूझकर चरणा को हराना चाहता था? इसकी असलियत खुद केबीसी की विजेता से पूछी गई। शो होता है वो कितना स्क्रिप्टेड होता है? जी मुझे मतलब इतना कुछ स्क्रिप्टेड नहीं लगा, बिकॉज काफी फॉर्मली इनफॉर्मली सर बात करते। इनफैक्ट केबीसी सीजन 15 के करोड़पति जसकरण सिंह ने भी दावा किया कि केबीसी में स्क्रिप्ट नहीं होती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज हर दूसरा कंटेस्टेंट करोड़पति बन जाता। नंबर 7, डांस का भूत। नहीं, इंडिया के डांसिंग शोज सिर्फ इनकी वजह से फेमस नहीं हुए। इंडिया में सालों से हिट हो रहे डांसिंग शोज कंटेस्टेंट के टैलेंट पर भी चलते हैं, लेकिन जनता तब कंफ्यूज आ गई जब बाबा जैक्सन जैसे टैलेंट को टेरेंस ने कच्चा कह दिया। मुझे लग रहा है कि आप थोड़े कच्चे हैं इन सर्टेन प्लेसेस, और रिजेक्ट कर डाला। पर वही डांसिंग के गुरु प्रभु देवा बाबा जैक्सन की तारीफ करते नहीं थकते। आई हैव सीन योर वीडियोस लाइक फर्स्ट टाइम इट केम नाउ बिकेम वायरल ऑल ओवर इंडिया आई थिंक, करेक्ट? इट्स योर्स ना। यानी रियल टैलेंट के लिए कोई जगह नहीं, इसका कच्चा चिट्ठा एक यूट्यूबर ने खोला। इनका कहना था कि जब इन्होंने एक फेमस डांसर की एकेडमी ज्वाइन की तब बच्चों को कहा गया कि अगर आपको ऑडिशंस में सिलेक्ट होना है तो पैसों की गड्डी तैयार रखो। वैसे कि मैंने कहा मैं नाम नहीं लूंगा, बट उन्होंने कहा कि इफ यू वांट टू गेट सिलेक्ट इन दिस डांस शो यू हैव टू पे सच अमाउंट और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इनफैक्ट यूट्यूबर ने ये भी बताया कि कैसे एक नॉन डांसर ने सिर्फ पैसों के दम पर अपना सिलेक्शन करवा लिया। मतलब पैसा है तो कर लो दुनिया मुट्ठी में। वैसे भी मनीष गोस्वामी की माने जिन्होंने 35 से 40 रियलिटी शोज को प्रोड्यूस किया है, तो भैया इंडिया में रियलिटी का मतलब ही होता है स्क्रिप्टेड, यानी दिखाया वही जाएगा जो कि लोग देखना पसंद करेंगे। नंबर 8, कौन किसकी तरफ। क्या कभी बच्चे के जन्म से पहले उसका सेल्फी रिलीज हो सकता है? नहीं ना। तो मास्टर शेफ के फिनाले से पहले विनर का फोटो लीक कैसे हो सकता है? एक दो दिन नहीं, फिनाले के हफ्तों पहले। और गौर करने वाली बात यह है कि इसके कैप्शन में लिखा था कि नयन ज्योति ने फाइनली सीजन 7 की ट्रॉफी जीत ली है। अब लोग जितने कंफ्यूज थे उतने ही खुश भी नजर आ रहे थे, शायद इसीलिए इस बात का आगे बतंगड़ बनने से रुक गया होगा। चाहे मास्टर शेफ वाले यहां बच गए, लेकिन फिर भी उन्हें ऑडियंस से हर वक्त पक्षपात करने के ताने मिलते हैं। ऐसा तब हुआ जब शो पे प्रियंका विश्वास को एलिमिनेट किया गया। आज आप दोनों में से जो वापस हमारे साथ मास्टर शेफ किचन में नहीं जाएगा वो प्रियंका आप।
लोगों की माने तो जजेस ने सिंपल डिश बनाने वाली कंटेस्टेंट अरुणा की साइड ली और कुछ न पेश करने की वजह से प्रियंका को एलिमिनेट किया गया। मगर भाई लोग जनता या रोगी नहीं, उन्होंने जज गरिमा की चोरी को पकड़ लिया जो कि सिर्फ झूठ मूठ खाने का नाटक कर रही थी। लेकिन चाहे मास्टर शेफ एक स्क्रिप्टेड शो नहीं होगा मगर टीआरपी के चलते उन्हें भी बदलाव लाने पड़े होंगे। तो कुछ शोज में सच्चाई अब भी छिपी है और कुछ बिना रियलिटी के चले जा रहे हैं। फिर भी आपका फेवरेट कौन सा है कमेंट में जरूर लिखिए। इसी के साथ अगर आप बिग बॉस शो की पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस आई बटन पर क्लिक करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।